अभिमान सर्वनाश हो जाएगा। अभिमान मत करना, ना साधना का, ना सुंदरता का, ना किसी भी चीज का नहीं। भाई अपना प्रारब्ध ही तो काटने आए हम, और क्या कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि एक लेवल अचीव करके भी आपका काम खराब हो सकता है, और जिसका कोई लेवल नहीं वो बहुत आगे बढ़। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कृपा तो परमात्मा की है। तो कोशिश ही कर रहे हैं। अब वो क्या करता है, वो यही तो करता है। अब जब उसको लगता है कि इसका मतलब भाग्य उदय होने का समय आ गया है, तो वो कई जन्मों से जो सोया उसको भी लगा देता है। लेकिन उसे लगता है ये तो कहीं ना कहीं भटक रहा है, इसे अहम आ गया, तो वो पट मारता उसको वहीं पर। उसे बर्दाश्त नहीं है। सुई की जो नोक होती है ना, उसके सौवें हिस्से के बराबर भी क्रोध अति सूक्ष्म भी आ गया ना, अति सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। अब समझ लो अति सूक्ष्म कितना होता है, वो भी प्रवेश कर गया तो वहीं पर आप ये समझ लो कि बढ़ नहीं पाओगे आगे। प्रतिदिन यही प्रार्थना करें उनसे कि प्रभु हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, आप ही संभालो, हमें अहंकार मत आने देना बस। और ये वैसे तो जब निरंतर नाम जपोगे ना तो ये मिटने लगते, लेकिन फिर भी वो जब परीक्षा लेता है ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा वो डालेगा घेरा, जब ही तो आगे नहीं बढ़ पाते लोग, लेकिन अगर बने रहे निरंतर तो फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा, पार हो जाओगे।